हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टूडेंट का मैसेज शेयर करना चाहता हूं। तो मुझे उन्होंने मैसेज किया और बोला कि सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरी स्टडी शुरू नहीं हो रही, जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। प्रतीक का मैसेज था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एग्ज़ाम जो जैसा भी गया वो अलग बात है, अब आपको तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी चलते रहनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत ही शरारती बच्चा रहता था और उसका एक स्वभाव था भी किसी को भी गलत साबित करने का, हमेशा कोशिश करता था और वो लोगों को साबित कर देता था। एक बार उस गांव में एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुना उसने कि कोई आया है और उसे अब तक किसी ने गलत नहीं बता पाया। तो वो शैतान बालक गया उसके पास, उसने जाते हुए एक हाथ में एक तितली पकड़ी और उस साधु महात्मा या जो पुरुष हैं उनके सामने जाके बोला कि बताइए इसके अंदर तितली जीवित है या मर गई। तो उस महात्मा ने, उस पुरुष ने उन्हें बताया ये तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में है। जो शैतान बच्चा था वो सोच रहा था अगर महात्मा जी बोलेंगे कि जिंदा है तो मैं इसे क्रश कर दूंगा, अगर बोलेंगे ये मर गई है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो महात्मा जी ने उसको बोला कि ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको जिंदा रखो या उसको मार दो। तो बस कहानी का मैसेज ये है कि लाइफ आपकी है, आपको सोचना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर हम किसी समस्या का खुद समाधान नहीं है तो हम खुद भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बस छोटी सी बात है कि लाइफ शुड बी ए मैसेज। मैसेज लाइफ का उससे नहीं आता है कि हम लोग बहुत अचीवमेंट करते हैं, लाइफ आता है, मैसेज आता है हार्ड वर्क से। कोई ऑफिसर बना, कोई वैज्ञानिक बना, क्या बना, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने कितनी देर हार्ड वर्क किया। अगर आप रात के 2 बजे तक आप पढ़ते हो और आपका छोटा भाई या कोई भी आप घर में दिखता है तो वो पता है कि ये 2 बजे तक पढ़ रहे हैं। रिजल्ट मैसेज तो होता है, बट रिजल्ट से ज़्यादा हार्डवर्क मैसेज होता है। तो यू हैव टू डू ऑलवेज हार्डवर्क। एक बात ध्यान रखना, आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो आप इंडिया के डेवलपमेंट का पार्ट हो गए, इंडिया के डेवलपमेंट को रेगुलेट करोगे, कंट्रोल करोगे।